श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम सोम प्रदोष की कथा सुनने वाले हैं। जो प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए सोमवार प्रदोष की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक घायल लड़का कराता हुआ रास्ते में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया, उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता और पिता को लेकर राजकुमार से मिलने ब्राह्मणी के घर आ गई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर अपने पिता को बंदी से मुक्त कराया और अपने राज्य में आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और राजकुमार के साथ राजकुमार के महल में ब्राह्मणी और उसके पुत्र को आश्रय दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें।